नमस्कार दोस्तों, हिमाचल प्रदेश राजनीति, शिक्षा और सामाजिक क्षेत्र से जुड़े आज के मुख्य समाचारों में आप सभी का स्वागत है। चैनल पर अगर आप नए तो हिमाचल प्रदेश की हर ताज़ा और महत्वपूर्ण खबर पाने के लिए कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। हिमाचल प्रदेश के कॉलेजों में फाइनल ईयर का रिजल्ट एक हफ्ते के भीतर घोषित करने की तैयारी में एचपी प्रशासन है और ऐसा कहा जा रहा है कि एक हफ्ते के भीतर जो है फाइनल ईयर का रिजल्ट घोषित कर दिया जाएगा। वहीं आज हिमाचल प्रदेश मंत्रिमंडल की बैठक होगी जिसमें महत्वपूर्ण निर्णय लिए जाएंगे, जिसमें आपको बताते चले कि कोरोना बंदिशों संबंधित फैसला लिया जाएगा और वहीं MBBS डॉक्टरों की भर्ती के बारे में भी निर्णय हो सकता है कि इसे राज्य लोक सेवा आयोग के माध्यम से करना है या फिर काउंसलिंग के आधार पर किया जाना है। इसके अलावा अन्य जो फैसले रहने वाले हैं, जो नई भर्तियां होनी है उस पर भी फैसला यहां पर हो सकता है, प्रस्ताव ये बनाए गए हैं। इसके अलावा आउटसोर्स की बात करें, NHM की बात करें या फिर NTT की बात करें, उस पर जो है फिलहाल ऐसा कहा जा रहा है कि इस कैबिनेट मीटिंग में चर्चा नहीं होगी। फिलहाल के लिए इस पर स्थिति स्पष्ट नहीं है और इस पर स्थिति को जो है स्पष्ट करने के लिए कहा गया है। बाकी यहां पे देखते हैं कि आज क्या कुछ महत्वपूर्ण फैसले लिए जाते हैं। थाना सदर शिमला की बात करें तो राज्य बिजनेस ब्यूरो की तरफ से थाना सदर शिमला में एक सब इंस्पेक्टर को 50,000 रुपये की रिश्वत लेते गिरफ्तार किया गया है। तो लगातार ब्राइब केसेस हिमाचल प्रदेश में बढ़ते जा रहे हैं, भ्रष्टाचार चरम सीमा पर बढ़ता जा रहा है। हिमाचल प्रदेश की भोरंज विधानसभा क्षेत्र में एक दिवसीय दौरे के दौरान जो है वो मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने विपक्ष पर पलटवार किया। उन्होंने कहा कि विपक्ष जो है वो विकास कार्यों का जिक्र होना चाहिए, भले ही वो विपक्ष करे या पक्ष की ओर से हो। इन दिनों जो है हिमाचल प्रदेश में लगातार एक पार्टी की ओर से दूसरी पार्टी कर जो है वो इस तरह की स्टेटमेंट दी जा रही है। हिमाचल प्रदेश में वेदर अपडेट की बात आपको बताते चलें कि भूस्खलन से जो है वो 2 नेशनल हाईवे के साथ साथ 7 सड़कें ठप रही और 13 घर और 11 गौशालाएं जो है वो क्षतिग्रस्त हो गई, जहां मनाली सहित जो है अन्य जगहों पर बाढ़ जैसे हालात पैदा हो गए। तो इस बार मानसून में जो है काफ़ी ज़्यादा तबाही हिमाचल प्रदेश में देखने को मिली है। हाईकोर्ट की तरफ से आपको बताते चले कि हिमाचल प्रदेश के बहुचर्चित 250 करोड़ के छात्रवृत्ति घोटाले की धीमी CBI जांच पर एक बार फिर नाराजगी जताई गई है। साथ में हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने कहा है कि CBI अपना शपथ पत्र दायर कर बताएं कि जांच पूरी करने में कितना समय लगेगा। हिमाचल प्रदेश पथ परिवहन निगम HRTC कंडक्टर यूनियन की ओर से बुधवार से क्रमिक अनशन शुरू कर दिया गया है। ये क्रमिक अनशन जो है 22 जुलाई तक चलेगा और जो वेतन विसंगतियां हैं उसको दूर करने को लेकर जो है ये अनशन किया जा रहा है। यहाँ पर कंडक्टरों का कहना है कि जो वेतन विसंगतियां हैं उस पर जो है वो HRTC प्रबंधन और सरकार द्वारा जो है वो ध्यान नहीं दिया जा रहा है। अगर जो है 22 जुलाई तक इस पर ध्यान नहीं दिया जाता है तो आगे भी जो है वो अनशन करने का ऐलान यहाँ पर किया जा सकता है। हिमाचल प्रदेश टेक्निकल यूनिवर्सिटी की बात करेंगे तो हिमाचल प्रदेश तकनीकी विश्वविद्यालय में परीक्षाओं की जो फाइनल डेटशीट है वो जारी हो गई है, चाहे वो नियमित सेमेस्टर हो चाहे रीअपीयर परीक्षा हो, ठीक है, उसकी आप जो है वो डेटशीट जाकर देख सकते हो वेबसाइट पर। यहाँ पर आपको जो है अन्य खबरें यहाँ पर बताते चलें कि किन्नौर जिले में स्थित भगवान जो यहाँ पर भोले शंकर है उनके पवित्र स्थल किन्नर कैलाश की यात्रा इस वर्ष जो है वो 1 से 15 अगस्त तक चलने वाली है। हिमाचल प्रदेश में अन्य यहां पर बात करेंगे तो कर्मचारी चयन आयोग की ओर से 1,508 पदों को भरने के लिए छंटनी परीक्षाओं का शेड्यूल जारी कर दिया है और 1,500 पदों को भरने के लिए इस बार तकरीबन 4.5 लाख आवेदन पहुंचे हैं। तो ये थे हिमाचल प्रदेश आज की मुख्य खबरें। उम्मीद करता हूं ये खबरें आपको अच्छी लगी होंगी। तो ऐसी खबरों के लिए जुड़ रही हमारे साथ, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके जय सारे वीडियो लाइक और शेयर करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय हिमाचल।